आज यानी 10 जून से बिहार के सरकारी स्कूल गर्मियों की छुट्टी के बाद फिर से खुल रहे हैं। कल से स्कूल के टाइमिंग में बदलाव भी किया गया है। शिक्षा विभाग ने कल यानी 10 जून से 30 जून तक स्कूलों का टाइम टेबल बदल दिया है। नए टाइम टेबल के अनुसार सरकारी स्कूलों का संचालन सुबह 6:30 से 10:50 बजे तक होगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन छुट्टी के समय मिलेगा। सुबह 11:30 बजे से 12:10 तक 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं चलेंगी। शिक्षकों को स्कूल शुरू होने के 10 मिनट पहले आना होगा। आपको बता दें कि पूर्व में शिक्षा विभाग को स्कूल टाइमिंग को लेकर विरोध का सामना करना पड़ा था। भीषण गर्मी के बावजूद भी स्कूल खुले थे, इस वजह से सैकड़ों बच्चे बीमार पड़ गए थे। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद स्कूलों को बंद किया गया था। बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक शिक्षकों को सुबह 6:20 बजे तक स्कूल पहुंचना होगा। 6:30 से 6:45 बजे तक प्रार्थना होगी। 6:45 बजे से 7:20 बजे तक पहली घंटी, 7:20 से 7:55 तक दूसरी घंटी, 7:55 से 8:30 तक तीसरी, 8:30 से 9:05 तक चौथी, 9:05 से 9:40 तक पांचवी, 9:40 से 10:15 बजे तक छठी और सुबह 10:15 से 10:50 तक सातवीं घंटी की पढ़ाई होगी। इसके बाद 10:50 बजे से 11:30 बजे तक वर्ग 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष के अंतर्गत कक्षा संचालित होगी। सुबह 11:30 बजे से 12:10 तक 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं चलेंगी। इस दौरान कक्षा 1 से 8वीं के बच्चों के बीच मध्याह्न भोजन परोसा जाएगा। इन दिनों बिहार के दक्षिणी हिस्सों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। ऐसे में खाली पेट स्कूल ना जाएं। बैग में पानी बोतल जरूर रखें और समय समय पर पानी पीते रहें। छुट्टी के बाद घर जाते समय सिर को ढक कर स्कूल से निकलें। लोकल 18 के लिए पटना से सच्चिदानंद की रिपोर्ट।